तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने 1.2 के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम एलिमेंट बुक की 1.2 एक्सरसाइज के बाकी बचे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी 1.2। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा में। ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत अर्जेंट है। क्यों? क्योंकि जो हमारे लास्ट के क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज के, एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं उन्हीं क्वेश्चनों के। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना होगा, कहीं भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर एक भी स्टेप आपका मिस हुआ तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कैंसिल हो सकता है। तो ये वीडियो देखना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम 5 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो जो हमारा 6th क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो है हमारे पास शो दैट द रिलेशन ए कोमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब होता है ए और बी हमारे इंटीजर से बिलोंग करेंगे। और ये कह रहा है कि ए प्लस बी हमारा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब एक रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है इसने, और उस रिलेशन की इसने नोटेशन क्या दे दी कि एक्स वाई हमारे पास पेयर है सच दैट एक्स प्लस वाई इज इवन। क्या कह रहा है कि अगर उन दो नंबरों को हम ऐड कर दें तो हमारे पास एक इवन नंबर होना चाहिए। तो ये रिलेशन हमें क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें तीनों रिलेशनों की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, फिर सिमेट्रिक और उसके बाद ट्रांजिटिव। तो चलते हैं हमारे पहले रिलेशन की तरफ, मतलब रिफ्लेक्सिव की तरफ। तो बात कर लें अगर रिफ्लेक्सिव की, तो अगर आप सबको पता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है जिसमें हमारे पास ए ए और बी बी इस टाइप के एलिमेंट मौजूद होते हैं। क्लियर है ये बात? लेकिन अब क्या है कि हमारे पास एक्स और वाई टर्म इसमें मौजूद है, तो हम ए ए की बजाय क्या ले लेते हैं, एक्स एक्स के पेयर और वाई वाई के पेयर। क्योंकि हमारे पास क्या दे रखे हैं इसने, एक्स और वाई में दे रखा है क्वेश्चन। तो एक बार एक्स एक्स का पेयर लेके यहाँ पुट करते हैं, तो दोनों हमारे पास एक्स और वाई क्या पुट करने हैं, एक्स और एक्स। क्लियर है? तो एक्स और एक्स पुट किया तो एक्स प्लस एक्स आया हमारे पास, ये क्या हो गया 2x। अब जिसकी मल्टीप्लाई में 2 होता है वो हमारा क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। तो ये जो है हमारा, इसी में इवन नंबर आने चाहिए। कहने का मतलब ये हमारा बिलोंग करेगा किसके अंदर, रिलेशन के अंदर। इसी तरह अगर और वाई का पेयर लेंगे तो हमारे पास वाई प्लस वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2y। और ये भी हमारा एक इवन नंबर है तो रिलेशन में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब एक्स एक्स का पेयर लिया वो भी हमारा रिलेशन में मौजूद है, वाई वाई का पेयर लिया तो वो भी हमारे क्या है, रिलेशन में मौजूद है। तो ये हमने क्या लिए थे, जर्नल केस लिए थे। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हम इस टाइप के एलिमेंट पुट कर सकते हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3 कुछ भी पुट करेंगे। जैसे 1 1 पुट किया तो 1 + 1 क्या आया, एक इवन नंबर आएगा। इसी तरह हम 2 2 पुट कर सकते हैं, 2 + 2 क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। तो ये हमारा क्या है, एक जर्नल केस है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्स और वाई वाई सेम डोमेन और रेंज के हमारे पास एलिमेंट है जो किसके अंदर मौजूद हैं, इस रिलेशन के अंदर मौजूद हैं। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे पास किसकी तरफ, दूसरे रिलेशन की तरफ, जिसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, अदल बदल करनी होगी, कहने का मतलब चेंजमेंट करना होगा। तो हमारे पास मान लिया एक्स वाई की पेयर है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर है? अब एक्स प्लस वाई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वाई प्लस एक्स, ऐड ही तो करने हैं, चाहे एक्स में वाई ऐड कर दो चाहे वाई में एक्स ऐड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा। ये हमारे पास क्या था, एक्स वाई के पेयर थे, और ये किसका पेयर है हमारे पास, वाई एक्स का। तो हमारे पास एक्स वाई अगर रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है तो हमारा वाई एक्स भी क्या होगा, रिलेशन के अंदर होगा, बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि वाई प्लस एक्स दोनों को एक दूसरे में बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन है, एडिशन वाली कंडीशन है। तो एक्स प्लस वाई एक्स वाई हो गया, वाई प्लस एक्स वाई एक्स हो गया। तो जिस रिलेशन में हमारे पास एक्स वाई प्रेजेंट है तो उसका अपोजिट भी होना चाहिए, हमने प्रूव कर दिया वाई एक्स भी क्या होगा, उस रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। तो ये था हमारा कौन सा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट की तरफ, जिसका नाम है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होगा, हमने तीन एलिमेंट मान लिए एक्स वाई और जेड, जो हमारे किस में बिलोंग करते हैं, इस रिलेशन में बिलोंग करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिविटी एक्स वाई क्या होगा हमारे पास, एक्स वाई हो जाएगा एक्स प्लस वाई जब हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। उसी तरह वाई जेड क्या होगा, वाई जेड होगा हमारा वाई प्लस जेड, यही होगा ना। तो क्या कर लेते हैं, एक बार इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये आया। और इस तरफ जब ऐड किया तो वाई और वाई, एक्स प्लस जेड प्लस टू वाई। क्लियर है?
अब ये हमारे पास क्या थे, एक इवन नंबर थे, तो एक इवन नंबर में दूसरा इवन नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आएगा, क्लियर है। अब 2y क्या है, एक इवन नंबर है, तो सीधी सी बात है एक इवन नंबर में क्या जोड़े कि हमारे पास इवन नंबर आ जाए। अगर इवन नंबर में ओड नंबर जोड़ेंगे, जैसे चार में हम तीन ऐड करेंगे तो चार और तीन सात हो जाएंगे, कहने का मतलब क्या आएगा, एक ओड नंबर आएगा। लेकिन हमारे पास इक्वल टू में क्या है, एक इवन नंबर है, तो सीधी सी बात है अगर ये इवन नंबर है तो तभी हमारे पास में इक्वल टू में इवन आएगा जब हमारा ये बचा हुआ जो चीज है, जो बचे हुए नंबर है, इन दोनों का सम क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो x प्लस जेड क्या आएगा, हमारे पास इवन नंबर। और यही चीज तो हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि हमारे पास एक्स वाई अगर रिलेशन में मौजूद है, वाई जेड रिलेशन के अंदर मौजूद है, तो हमारा x प्लस जेड भी होगा। क्यों? क्योंकि x प्लस जेड का सम हमने क्या प्रूव कर दिया, एक इवन नंबर होगा। तो यह था हमारा कौन सा रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। बात समझ में आई? अगर अब भी कोई क्वेश्चन में डाउट बचा हो 6th क्वेश्चन में तो कमेंट कर सकते हो अभी के अभी, क्लियर है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास 7th क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको एक बार स्टेटमेंट पढ़कर देखो, इजी सा क्वेश्चन है, आप सब अपने आप भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल एज इट इज है। लेकिन हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंट आपके दिमाग में नहीं आएगा तो हमारे मैथ के क्वेश्चन क्या होंगे, सोल्व नहीं हो पाएंगे। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि मैथ एक ऐसी चीज है जो स्टूडेंट खुद सोल्व कर सकता है, टीचर की भी जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो हमारे ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन जिनमें हम टीचर की हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन हजारों क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चे अपने सेल्फ स्टडी से कुछ ना कुछ अपने मन में विचार निकाल कर उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मीन्स 7th क्वेश्चन की तरफ। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एस बी द रिलेशन ऑफ सेट आर ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। हमारे पास क्या दे रखा है, रियल नंबर का एस कोई सेट दे रखा है, जो क्या है, एक रिलेशन दे रखा है, कहने का मतलब। अब इस रिलेशन में क्या कह दिया इसने कि हमारे पास ए बी के पेयर लेने हैं सच दैट ये हमारे किससे बिलोंग करेंगे, आर क्रॉस आर, कहने का मतलब सारे के सारे रियल नंबर होंगे। आर क्रॉस आर का मतलब है रियल नंबर की रियल नंबर के साथ प्रोडक्ट दे रखी है, और इसने एक कंडीशन दे दी सच दैट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू होगा 1। ये कंडीशन है, मतलब इस टाइप के एलिमेंट आएंगे कि इन दोनों का अगर सम कर देंगे स्क्वेयर करके तो हमारे पास 1 आना चाहिए। किस तरह के एलिमेंट, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हमारे पास मान लिया 1/2 है और एक √3/2 है, इन दोनों का स्क्वेयर करो एक बार, 1/2 का स्क्वेयर क्या होगा 1/4, इसी तरह प्लस √3/2 का स्क्वेयर क्या होगा 3/4, ऐड किया तो 4, ऊपर भी 4, 4 से 4 कट गया 1, कहने का मतलब 1 आया ना। तो कुछ इस तरह के एलिमेंट इसके अंदर क्या होंगे, एस के अंदर बिलोंग करेंगे। बात समझ में आई? अब ये चीज ये कह रहा है कि ये है ना हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। 7th जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ये हमारा नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये जो रिलेशन दे रखा है एस, ये रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा। कहने का मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन तीनों रिलेशनों में से कोई ना कोई रिलेशन जरूर फेल होगा। तो हम कोई एक रिलेशन फेल कर दे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। लेकिन हम तीनों प्रूव करके दिखाएंगे ये कौन सा भी नहीं होगा। कैसे? जैसे हमारे पास पहला है रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं हम एलिमेंट लेते हैं हमारे जर्नली ए ए टाइप के और बी बी टाइप के, इस तरह। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस ए ए की अगर हम वैल्यू निकालें, कहने का मतलब ए की जगह तो ए पुट करना है, बी की जगह भी हमें ए पुट करना है। तो एक बार करो करके देखो तो क्या होगा, ए स्क्वेयर प्लस में बी की जगह आ गया ए स्क्वेयर, तो क्या आया 2a स्क्वेयर। तो किसी की मल्टीप्लाई में अगर हम 2 पुट कर दें तो उसकी मल्टीप्लाई 1 आ सकती है, नहीं आएगी। तो ये कभी भी क्या होगा हमारा 1 नहीं आ सकता, तो ये रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं हो सकता, मतलब ये नॉट बिलोंग होगा। बात समझ में आई? उसी तरह अगर b भी पुट करेंगे तो क्या आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये आया 2b स्क्वेयर, ये कभी भी हमारा 1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा यहाँ से फेल। बस यही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इसी तरह सिमेट्रिक जो है हमारा, सिमेट्रिक ये क्वेश्चन हो सकता है, किस तरह सिमेट्रिक जो रिलेशन है वो हमारा क्या काम आता है, अपोजिट के काम आता है। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगे, ये इन दोनों को अगर पलट दे, क्योंकि बीच में क्या है प्लस है, तो हमारे पास ए प्लस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू होगा बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू 1 है। तो अगर हम बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कर दें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये भी 1 आएगा, लेकिन ये पेयर था ए बी का जो रिलेशन के अंदर था, लेकिन बी ए बी हमारे ने क्या प्रूव कर दिया, वो रिलेशन के अंदर होगा, लेकिन सिमेट्रिक तो होगा, लेकिन क्वेश्चन कहां फेल हो चुका हमारा, रिफ्लेक्सिव में ही फेल हो चुका।
तो हम एक ही चीज प्रूव करके ये कह सकते हैं कि ये हमारा रिलेशन क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। बात समझ में आई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ट्रांजिटिव की भी आपको जरूरत नहीं है, जरूरत तो सिमेट्रिक की भी नहीं थी, लेकिन ये बताने के लिए कि सिमेट्रिक हमारा हो सकता है किसमें, प्लस के केस में, क्योंकि दोनों की बेशक सुकेयर कर रखा हो लेकिन बीच में प्लस है, तो उन दोनों को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 8th क्वेश्चन हमारा किस तरह का है। तो 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो एक बार और देखो किस तरह का है हमारा 8th क्वेश्चन। ये कह रहा है शो दैट ए रिलेशन इज कोंगरेंट टू वन सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ऑफ ए प्लेन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो दो ट्रायंगल हमारे पास क्या है, कोंगरेंट दे रखी है। तो कोंगरेंट कौन सी होती है, जिनकी सब कुछ बराबर होता है दो ट्रायंगलों का। तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था, जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन था, एक चीज बताई थी कि जो हमारे पास इक्वल हो जाए या ए इज इक्वल टू बी है तो सीधा लिख सकते हैं, अगर कोई भी इक्वेलिटी का निशान आ जाए तो वो हमारा हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि ए ट्रायंगल बी ट्रायंगल दोनों बी ट्रायंगल इक्वल हैं, तो हम उनको बी इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, और सी एलिमेंट लेंगे तो ए इज इक्वल टू सी भी आएगा। समझ में आए? क्योंकि कोंगरेंट का मतलब है सब कुछ इक्वल, तो सब कुछ जिसका इक्वल होता है वो ट्रांजिटिव रिलेशन की प्रॉपर्टी में आता है, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी में आता है, और हमारा रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी में आता है। तो हमारा इक्वल जहां पर आ जाए वहां हम सीधा लिख सकते हैं कि ये रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेलिटी। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब 9th क्वेश्चन की तरफ। देखो इक्वल इसमें भी है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, पिछला जो क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज होगा इस तरह ही। जैसे हमारे पास इसमें फंक्शन दे रखे हैं इसने कि x टू y हमारा एक रिलेशन बनेगा, डिफाइन ए रिलेशन r, हमारे पास क्या है एक r रिलेशन दे रखा है, वो r रिलेशन किस प्रकार का है। देखो हमारे पास a और b के हमारे पास पेयर लेने हैं उस रिलेशन में, a b के पेयर होंगे, सच दैट f ऑफ a इज इक्वल टू होगा f ऑफ b के, f ऑफ a किसके बराबर होगा f ऑफ b के। तो किस तरह करेंगे, देखो इक्वल है तो इस f ऑफ b को हम क्या पुट कर सकते हैं, f ऑफ a भी कर सकते हैं, तो इसकी जगह एफ ऑफ ए कर देते हैं। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए इसका हमारे पास रिलेशन में बिलोंग हो गया, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया सीधा, क्योंकि सेम टाइप के एलिमेंट आ गए। अब एफ ऑफ बी है, इसको इधर ले आओ इसको उधर ले जाओ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए ये भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, रिलेशन के अंदर, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या लेंगे, एफ ऑफ सी ले लो, एफ ऑफ सी और एफ ऑफ ए भी इसके अंदर बिलोंग करेंगे, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आई क्वेश्चनों की स्टेटमेंट, कुछ तो काम खुद भी कर लिया करो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब 10th क्वेश्चन की तरफ। तो 10th क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन जिसमें कुछ ना कुछ हमें डिफिकल्टी करनी पड़े, क्योंकि ये जो क्वेश्चन थे इक्वेलिटी के, तो इक्वेलिटी के प्रॉपर्टी थे सीधे इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं हम, लेकिन जो 10th क्वेश्चन है हमारा वो देखो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, जैसे हमारे पास है इन एन क्रॉस एन, हमारे पास नेचुरल नंबर का कोई सेट है, शो दैट द रिलेशन डिफाइंड बाई ए बी रिलेशन सी डी। देखो क्या कह रहा है, ए बी का रिलेशन दे दिया किसके साथ, सी डी के साथ, एक रिलेशन बनाया है ए टू बी। क्या कह रहा है, ओनली इफ उस रिलेशन में वही होंगे जिसमें हमारे पास ए डी इज इक्वल टू क्या हो, बी सी के। मतलब एक रिलेशन दे दिया, उसमें कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास कोई दो टप्पल, इसको टप्पल बोलते हैं, ए बी हमारे पास क्या है, एक पेयर दे दिए ना, ये कह रहा है ए को मल्टीप्लाई कर दो डी से और बी को मल्टीप्लाई कर दो सी से, तो हमारे पास ये दोनों इक्वल होंगे, ऐसे ही हमारे क्या होंगे, इस रिलेशन के एलिमेंट आएंगे जिसमें कुछ इस प्रकार की प्रॉपर्टी होगी, मतलब ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। ये प्रूव करवा रहा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस के लिए क्या करेंगे हम, इसको रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक भी प्रूव करेंगे और ट्रांजिटिव भी प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं रिफ्लेक्सिव की तरफ। तो किस तरह करेंगे इसको, देखो रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास एलिमेंट क्या कह रहा है, ए डी बी सी है। तो आप सबको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस होता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ए ए बी बी की जगह देखो जोड़े बना लिए, इसके लिए क्या मान लिया हमने, ए ए और ये हो गया बी बी, दो मान लिए, सीधी सी बात है ये जोड़े बाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या होंगे, रिलेशन के अंदर मौजूद होंगे, तो हमारी यही से हो जाएगी पहली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो क्लियर है, मतलब ए ए बी बी, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी क्या करवा रहा था, पहले को आखिरी के साथ मल्टीप्लाई, ए को बी के साथ, और ऐसे ही ए को बी के साथ, तो ए बी और ए बी दोनों हमारे पास एलिमेंट आए ना सेम, ए बी और ए बी,
तो ये बिलोंग करेंगे रिलेशन के अंदर, मतलब ये अगर ए है पूरा और ये अगर ए है, तो ए का हमारे पास पेयर आ गया, या इसको एक्स मान लो, इसको एक्स, तो एक्स एक्स का पेयर आ गया जो हमारे किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, रिलेशन के अंदर। तो ऐसे ही तो एलिमेंट आते हैं हमारे सेम सेम डोमेन और रेंज के रिफ्लेक्सिव के अंदर, समझ में आई। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में किस तरह के एलिमेंट लेंगे हम। सिमेट्रिक में अगर दोनों इक्वल हैं देखो, तो हम इसको ये भी लिख सकते थे कि ए डी इज इक्वल टू बी सी है, तो हम इसको ऐसे लिख दे बी सी इज इक्वल टू ए डी। कहने का मतलब ये तो पेयर किसका था हमारा, ए बी और सी डी का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पेयर आ जाएंगे हमारे सी डी और ए बी के, मतलब अपोजिट भी हमने इस रिलेशन के अंदर प्रूव कर दिए। और ऐसे ही किसको करेंगे हम, ट्रांजिटिव को। तो ट्रांजिटिव को किस तरह करेंगे वो देखो, एक बार इसको मिटा देते हैं। तो बात करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है हमारी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या होता है, तीन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, बात समझ में आई। तो उसके लिए देखो दो एलिमेंट तो थे ए बी और थर्ड सी डी, और अब हमने तीसरा मान लिया ई और एफ, क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके अगर पेयर बनाएंगे तो क्या आएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी जो दे रखा था, ए डी इज इक्वल टू बी सी पहले एलिमेंट की लास्ट के साथ दोनों बीच के एलिमेंट्स की। इसी तरह इन दोनों का क्या होगा, सी एफ इज इक्वल टू डी ई, क्लियर है। अब इन दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई करा देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड के साथ, तो क्या हो जाएगा, ए डी सी एफ मल्टीप्लाई होगी इज इक्वल टू बी सी डी ई, बी सी डी ई। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, डी के डी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, क्या बचा, ए एफ इज इक्वल टू बी ई, क्लियर है। अब ये देखो ए एफ और बी ई क्या है, पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई की एफ के साथ, बीच के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई की बीच के साथ, कहने का मतलब पहला और लास्ट का हमारे पास इसने पेयर बना दिया ये, क्लियर है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी बी सी, इसको ए मान ले अगर, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, तो हमारे पास क्या प्रूव कर दिया कि ए और बी और बी और सी ये हमारे अंदर हैं रिलेशन के अंदर, तो हमने ये प्रूव कर दिया ए और सी भी उस रिलेशन के अंदर मौजूद होंगे। और यही चीज हमारे क्या होती है, ट्रांजिटिव की पहचान होती है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जिसको हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सोल्व किया। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बिल्कुल सीधा लिख सकते हो, आपकी सेम सेम और अपोजिट क्योंकि इक्वल दे रखे हैं, लेकिन हमारे पास जो लास्ट ट्रांजिटिव होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसको हमने सोल्व किया। क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया, बस आखिरी में क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, जो कट रहा है उसको काट दो, तो हमारे पास एक ऐसी चीज बचेगी जो हमारे फर्स्ट और थर्ड को एक दूसरे से रिलेट करेगी, जो हमें चीज प्रूव करनी थी, बात समझ में आई। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। अब जो 11th क्वेश्चन बचा है बिल्कुल एज इट इज सेम, इसी की तरह हमेशा की तरह आपके लिए वो क्या होगा, होमवर्क होगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आप देखते हो, तो हमारे इस क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा और किस तरह आपने ये सोल्व किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। कहने का मतलब रिलेशन का काम खत्म, हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन।